शाहरुख खान की फिल्म पठान जो आज 11वें दिन चल रही है सिनेमाघरों में, शनिवार है और इसकी कलेक्शन में इतनी बड़ी जंप देखने को मिला है। भाई मैंने नाइट का शो, नाइट का अपडेट दिया था कि ये फिल्म कितनी कमाई करेगी और वो क्या रहा, फेक रिपोर्ट हो गया, मतलब वो झूठा रिपोर्ट हो गया, क्योंकि इसकी जो एडवांस बुकिंग नाइट में इतनी तेजी से हुई है और मॉर्निंग टाइम इतनी तेजी से एडवांस बुकिंग हो रही है, ट्रेड एक्सपर्ट भी शॉक्ड में पड़ गए हैं कि भाई ये कैसे हो गया है। नाइट में उन्होंने बताया था कि इंडिया का नेट कलेक्शन इसका 20 करोड़ होगा सिर्फ हिंदी बेल्ट में और इसकी वर्ल्ड वाइड जो क्रॉस कलेक्शन होगा जो 37 करोड़ होगा, मगर वो फेक हो गया, मतलब उससे भी ज़्यादा कमाई का एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है, मतलब इतना बड़ा जंप लेगी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ट्रेड एक्सपर्ट ने भी नहीं किया था। जो चीज़ हम अपने सपने में सोच नहीं सकते थे, जो कलेक्शन हम अपने जहन में ला नहीं सकते थे, पठान वो कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर करके दिखा रही है। हम आज सोचते हैं कि ये इतना बिजनेस करेगी, ये उससे 10 करोड़ का ऊपर बिजनेस करती है। हम ये सोचते हैं इसका वीकेंड इतना होगा, ये उससे ज़्यादा वीकेंड करती है। मुझे मालूम था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे टांडव मचाएगी, लेकिन ऐसा टांडव मचाएगी मैंने भी सोचा नहीं था। सुमित जी जो एक बहुत बड़े ट्रेड एक्सपर्ट भी हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट वो भी दिए थे कि इसकी जो कलेक्शन जो लगातार होगी वो कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कोई भी ट्रेड एक्सपर्ट के लिए, क्योंकि नाइट में जो उन्होंने कलेक्शन बताई उससे फिर से एक बहुत बड़ा जंप देख लिया है। अभी का जो मैं करंट आप लोग को अपडेट बता रहा हूं कि अभी का जो रिपोर्ट सामने आई है ट्रेड एक्सपर्ट का इसके कलेक्शन से जुड़ा, वो रिपोर्ट आप लोग को दिखाना चाहूंगा, उसमें भी एक बहुत बड़ा जंप है। भाई मैं खुद ही शॉक्ड हो गया हूं कि भाई मैं क्या बताऊं इसको लेकर। आज शनिवार है, कल तो रविवार है, कल तो इससे भी बड़ा जंप देखने को मिलेगी, मगर कितना मिलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो बात करते हैं सीधी 11वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर इस वीडियो में, जो आखिरकार कितनी करोड़ रुपए की कमाई होगी। तो मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं जो नाइट का अपडेट था जो 11वें दिन को लेकर 20 करोड़ हिंदी बेल्ट में इंडिया का नेट कलेक्शन, वहीं अभी जो करंट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 25 करोड़ 77 लाख रुपए बताई गई है। तो एक शॉकिंग की बात है, एक जंप बात है, खुशी की भी बात है, मगर इस तरह की कलेक्शन में उछाल देखने को मिलेगी कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अब वहीं आप बात करते हैं अभी 11वें दिन की वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन को लेकर, तो आप लोग देख सकते हो 37 करोड़ नाइट में रिपोर्ट सामने आई थी और अभी का जो करंट रिपोर्ट सामने आई है 44 करोड़ रुपए का, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरह की इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है जिस रफ्तार में, भाई इसकी कलेक्शन में अभी तक जो करंट रिपोर्ट सामने आई है उसका ये रिपोर्ट पेश की गई है। मैं खुद ही शॉक्ड हो गया भाई और ट्रेड एक्सपर्ट का आपने खुद ही बात सुन लिया कि उन्होंने क्या बोले हैं। तो बात करें तो टोटल इसकी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है 763 करोड़ रुपए और इंडिया का नेट कलेक्शन सिर्फ हिंदी बेल्ट में 391 करोड़ 77 लाख रुपए का, जो आप लोग के सामने रिपोर्ट पेश है। अगर बात करेंगे अगर तमिल तेलुगु की, तो 11वें दिन इसकी 85 लाख रुपए की कमाई होगी, वहीं अगर हिंदी तमिल और तेलुगु की कलेक्शन कलेक्ट कर दे तो 26 करोड़ 62 लाख रुपए की रिपोर्ट सामने आए हैं। वहीं इंडिया के अगर ग्रॉस कलेक्शन देखिए तो 32 करोड़ रुपए है और ओवरसीज मार्केट में ये मूवी 12 करोड़ रुपए की कमाई करेगी 11वें दिन। हर एक रिपोर्ट में, हर एक लाइन में इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है। टोटल इसके वर्ल्ड वाइड 44 करोड़ होंगे और आप लोग के सामने रिपोर्ट पेश है, जो आप लोग को जो कहना है कह सकते हैं। भाई ये एक तहलका, एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है इसके कलेक्शन को लेकर और कहीं ना कहीं आप लोग के सामने पूरा रिपोर्ट पेश है, पहले दिन को लेकर, दूसरे दिन को लेकर, तीसरे दिन को लेकर, मतलब 1 से 11 दिनों तक आप लोग के सामने रिपोर्ट पेश है। इंडिया का नेट कलेक्शन, इंडिया का बात करें इंडिया ग्रॉस कलेक्शन बात करें, जिस तरह की आप लोग के सामने रिपोर्ट पेश किया हूँ भाई मैं खुद ही सदमे में हूँ, क्या बताऊँ। इस तरह की कलेक्शन में भाई किसी मूवी को लेकर उछाल नहीं देखने को मिला, आज तक नहीं देखने को मिला है। हाँ कलेक्शन उछाल होता है 2 करोड़ 4 करोड़ बहुत ज़्यादा हुआ, मगर इस तरह की कलेक्शन उछाल पहली बार मैं किसी फिल्म के लिए देख रहा हूँ, जो एक बहुत बड़ी शानदार बात है। अब ये देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि अब इसके सेकेंड डे, मतलब सेकेंड डे बोलते हैं ये लास्ट वीकेंड है जहाँ दूसरे वीकेंड चल रहा है और लास्ट जहाँ तक रविवार को लेकर जो कलेक्शन आएगी ना वो भाई सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा, सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा। कहीं ना कहीं आप लोग ये एक्सपेक्ट करो कि इसकी रविवार के दिन क्या कलेक्शन हो सकता है, कल के दिन क्या प्रोडक्शन हो सकता है, आप लोग अनुमान लगाओ, क्योंकि आप लोग के सामने रिपोर्ट भी पेश किया हूं तो आप लोग का भी अनुमान जानना जरूरी है। ट्रेड एक्सपर्ट भी तो भाई इस पर फेल हो रहे हैं। बाकी आप लोग को न्यूज अच्छी लगे लाइक जरूर करें और इसके रिलेटेड आप लोग को 12वें दिन के भी कलेक्शन रिपोर्ट चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करो, रिपोर्ट जैसे ही आएगा मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। बाकी होते हैं अगले अपडेट में जो होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग, काफी लाजवाब।